गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन ई, कल हमने ए बी सी डी तक कर लिए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर ई, फर्स्ट है डिफाइन हर्ब्स। ठीक है, हर्ब्स को डिफाइन करना है। पेज नंबर 57 में आपको ये यहाँ पर हर्ब दे रखा है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। यहाँ तक लिखना, उसके बाद इसमें आगे ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मिंट स्पिनिच, इसके एग्जाम्पल मिंट एंड स्पिनिच। Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. For example, mint, spinach. Now question number 2. What are weeds? Weeds हम किसको कहते हैं? Weeds मतलब जंगली पौधे जो अपने आप उग जाते हैं ना? देन अगेन पेज नंबर 57 पर, अभी हमने हर्ब लगाया था, उसके जस्ट ऊपर ये ग्रीन बॉक्स देखो, उसमें ये यहाँ से स्टार्ट करो आप। इन क्रॉप्स फील्ड्स लॉन और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। यहाँ तक लगा लो, इन क्रॉप से लेकर के स्टार्ट ग्रोइंग, उसके आगे एक लाइन और ऐड कर दो। दीज प्लांट्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नियर बाय प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल धतूरा डेजी। धतूरा DHATURA, धतूरा एंड डेजी DAISY। तो पूरा आंसर हो जाएगा इन क्रॉप फील्ड्स लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। दीज प्लांट्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नियर बाय प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल धतूरा एंड डेजी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you mean by leaf venation? Leaf venation से आप क्या समझते हो? Page number 59 पर और 58 पर, 58 की ये जो last line है यहाँ से लगा लें। The design made by veins in a leaf is called the leaf venation. If design is नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब, द विनेशन इज रेटिकुलेट। फिगर इसको कट कर देना। इन द ग्रास लीव्स यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनादर, दिस इज पैरेलल विनेशन। ठीक है, पेज नंबर 58 की लास्ट लाइन में, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ विनेशन। इफ डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब, द विनेशन इज रेटिकुलेट। इन द ग्रास लीव्स यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनादर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन। वेन्स जो डिज़ाइंस लीफ के ऊपर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ विनेशन। अगर इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब बीच में से एक मिडरिब जा रही है और साइड से अगर वेन है, तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है रेटिकुलेट विनेशन। लेकिन जैसे घास के अंदर इस तरह से लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस बनी रहती हैं, अगर इस तरह का लीफ का स्ट्रक्चर है या डिज़ाइन है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। इसमें से ये फिगर को कट कर देना। देन फोर्थ क्वेश्चन है, वॉट इज क्लोरोफिल। तो इसके आगे मैंने आंसर लिख दिया है, आप भी लिख लो। द ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प टू कैप्चर सनलाइट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट
विच हेल्प टू कैप्चर सनलाइट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. देन क्वेश्चन नंबर 5, वॉट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए प्लांट. प्लांट के अपवर्ड मूवमेंट में, सॉरी वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में, पानी को ऊपर चढ़ाने में कौन हेल्प करता है, किसकी मदद से पानी पेड़ के अंदर ऊपर चढ़ता है, पूरे टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचता है. स्टेम, स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट. क्वेश्चन 6, व्हाट इज ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ कॉल्ड. किसी भी लीफ का सबसे चौड़ा पार्ट क्या होता है, क्या कहलाता है. आंसर होगा लैमिना. देन क्वेश्चन 7, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइबरस रूट. फाइबरस रूट और टैप रूट में आपको डिफरेंशिएट करना है. पेज नंबर 61 के अंदर आपको ये टैप रूट और फाइबरस रूट दे रखा है, इसका आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है. और ये इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करो, प्लांट्स विद रूट्स, ये एज शोन इन फिगर को कट कर दो, हैव अ प्राइमरी रूट विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल नॉन एज टैप रूट विथ सेवरल स्मॉलर रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज लेटरल रूट्स. वाइल प्लांट्स विद रूट, यहाँ तक लगा के फिर से ये कट कर दो, डू नॉट हैव अ मेन रूट बट हैव फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज कमिंग आउट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइबरस रूट. मतलब ऐसी रूट जो सीधी, इसमें एक मेन रूट होती है और सीधी नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ ग्रो होती है और साइड से उसमें छोटी छोटी रूट्स निकलती है जिनको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं. और फाइबरस रूट के अंदर कोई भी मेन रूट नहीं होती है, जबकि ये क्लस्टर की फॉर्म में ये छोटे छोटे रूट हेयर्स इसके अंदर निकलते हैं. तो इसका आपको डायग्राम भी बनाना है और ये लिखना है, प्लांट्स विद रूट हैव अ प्राइमरी रूट विच ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल नॉन एज टैप रूट विद सेवरल स्मॉलर रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज लेटरल रूट्स. वाइल प्लांट्स विद रूट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट बट हैव फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज कमिंग आउट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइबरस रूट. इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले हमने किया था लीफ विनेशन का, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर भी आपको ये दोनों डायग्राम बनाने हैं. लीफ विनेशन के अंदर भी ये दोनों का डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आपको नोटबुक के अंदर करना है और इस जो डिटेल के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे.